नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बन्ना सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ गट्टे की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो ये एक राजस्थानी डिश है। बड़ा टेस्टी होता है, बहुत आसान है इसको बनाना। और ये गट्टा होता क्या है, चलो देखते हैं। गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले तो हमें बेसन चाहिए। नॉर्मल बेसन ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमें क्या करना है, 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून इक्वल क्वांटिटी में सारे मसाले हैं धनिया पाउडर डाला मैंने। ये बेसन जो मैंने लिया है ना, 1 कप से थोड़ा सा ही कम है। आपको जितनी सब्जी की ज़रूरत हो उतना आप यूज़ करें। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 1/3 टीस्पून ले लिया है अजवाइन, क्योंकि बेसन है तो पेट में हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। और बेसन में पता नहीं क्यों अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये हो गया। अब इसमें हम स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें मोयन देने के लिए, आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने 1 कप भर के एकदम अच्छे से फिटा हुआ दही ले लिया है। यही मैं ग्रेवी में भी डालूँगी। और इसमें से 3 टेबलस्पून दही मैं गट्टे के बैठ ये जो बना रही हूँ डो उसमें डालूँगी। और अगर मैं आप दही नहीं डालना चाहते, इससे क्या है, एक तो टेस्ट अच्छा आएगा ही आएगा और दूसरी चीज़ इसमें ये भी होती है कि जो हमारा गट्टा रहेगा ना, काफ़ी सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगा इसको डालने से। अगर मैं आपको दही नहीं डालना है तो आप मीठा सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह पर। जो 3 टेबलस्पून दही डाला उसमें तो हमारे बेसन का डो लग गया है। अब क्या करना है, बहुत संभाल के हमें इसमें पानी डालना है। थोड़ा सा हमें और सॉफ्ट चाहिए ये, तो हम टेबलस्पून से ही पानी डालेंगे। आप सीधा किसी बर्तन से ना डाल देना, कप या ग्लास वगैरह से नहीं, तो बेसन है बहुत कम पानी लेता है, गीला हो जाएगा। तो अगर मैं टेबलस्पून या टीस्पून का इस्तेमाल करोगे तो एकदम प्रॉपर एक बढ़िया डो बनकर रेडी हो जाएगा। अब हाथ में ये बहुत स्टिकी हो रहा है, बेसन है तो इसको छुड़ाने के लिए ना हम थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे पहले, तब जाके हाथ से बेसन निकलेगा। अब हम 3 टेबलस्पून मैंने दही डाला और 1 टेबलस्पून मैंने पानी का यूज़ किया है। अब इसमें पानी और नहीं जाएगा, बस खाली इसको अब अच्छे से हमें 2-3 4 मिनट तक गूंदना है। 1 टीस्पून तेल लगा जो हाथ में मैंने लगा के इसको गुना है और हमें इसको इसी तरह से गुनना है। गट्टे का डो रेडी हो गया है। जिस तरह का हमारा आटा होता है ना जो रोटी बनाते हैं, बस उतना सॉफ्ट ये होना चाहिए। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसको ना ऐसा लंबा आकार दे देना है। हमें इस तरह का बनाना है। यहाँ पे मैं पहले से पानी मैंने रख दिया था टोप में, इनफ पानी हमें चाहिए क्योंकि हमें इसको बॉईल करना है। और इतना मेक श्योर करना कि जो बॉईल हो रहा है ना वाटर, जब इसको हम डालेंगे ना अंदर, तो इसका टेम्परेचर जो है डाउन नहीं होना चाहिए। एक साथ में ही आप ना डाल देना, थोड़ा टाइम लेके ही डालना ताकि टेम्परेचर बिल्कुल भी डाउन ना हो इसका। तीनों डाल देंगे, आप देख सकते हैं ये लगातार बॉईल हो ही रहा है, बिल्कुल भी टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ है। अब इसको ना हमें मीडियम हाई फ्लेम पे करके हमको इसको कम से कम पकने में ये 10 से 12 मिनट लगता है। हम कवर करके इसको पकाएंगे। कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है। और ये जब पक जाएगा ना, अभी नीचे है, जब पक जाएगा ना ऊपर आ जाएगा एकदम। 5 मिनट हो गया इसको पकते हुए, एकदम बढ़िया सा फ्लोट होने लगा है और ऊपर एकदम बबल आ गया है। ये पक गया है लेकिन बेसन है, थोड़ा एक्स्ट्रा 5 मिनट और दे देना है हमको, थोड़ा पलट देना है। 5 मिनट इसलिए और दे देंगे हम, थोड़ा ज़्यादा पका रहेगा तो अच्छा रहेगा, कम से कम रिस्क तो नहीं रहेगा कि कच्चा है। तो पूरा टोटल 10 मिनट लगेंगे इसको पकाने में, तब एकदम अच्छी तरह से अंदर से पकेगा। आप ये बबल देख के या फ्लोट हो रहा है मत निकाल देना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 मिनट हो गया है, अब हम आँच को बंद कर देंगे और
कितना अच्छा चिकना, एकदम बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं है। इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और ये जो पानी है ना इसको हम फेंकेंगे नहीं, बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम यही पानी यूज़ करेंगे। अब ये जो गट्टा है ना इसको हमें एक नाइफ़ की सहायता से काट लेना है इस तरह के पीसेस में। एकदम सॉफ्ट हुआ है, बहुत ही बढ़िया हुआ है। ये गट्टा कट के रेडी हो गया है। चलो इसके लिए हम ग्रेवी बना लेते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई रख दिया है, अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन आप कम भी डाल सकते हो। अराउंड 2-2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाला है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें 1/2 टीस्पून हम जीरा डाल देंगे। और तेल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा डालने के बाद हींग बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे, क्योंकि बेसन है तो बेसन में हींग बहुत ज़रूरी है। तड़का हमारा एकदम अच्छे से हो गया है। अब इसमें एक छोटे साइज़ का एकदम बारीक कटा हुआ हम प्याज डालेंगे, और प्याज के ही साथ हम 1 टीस्पून हरा मिर्च बारीक कटा हुआ डाल देंगे। साथ में एकदम अच्छे से भून जाएगा, और इसके साथ में ही हम 1/2 टीस्पून डाल देंगे जिंजर का पेस्ट अदरक का, और 1/2 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। आप इस जगह पे एकदम बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तड़का एकदम बढ़िया से पक गया है, प्याज को एकदम ब्राउन नहीं करना है हमें। अब मैंने फ्लेम को एकदम स्लो पे कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। अब इसमें क्योंकि हम ग्रीन चिली डाले हैं, तो उस हिसाब से आप तीखा जितना पसंद करते हो उस तरह से आप डालें। 1/3 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला, लाल मिर्च का पाउडर, और 1/3 टीस्पून ही मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून एकदम फुल मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। ये सब डालने के बाद, और ये मसाला जो मैं इसमें डाल रही हूँ ना, इसको कुछ लोग दही में फेंट के डालते हैं मसाला, लेकिन मुझे क्या लगता है, मसाला जब तेल में एकदम मध्यम आंच में कुक होगा ना, तो इसका टेस्ट कुछ अलग एकदम डिफरेंट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैं तेल में इसको भून रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब ये सब डालने के बाद, अब मसाले से हमारे एकदम अच्छे से अरोमा आने लगेगा, तब इसमें हम डालेंगे टमाटो। मसाले से एकदम अच्छा अरोमा आने लगा है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून सिलांट्रो, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एकदम अच्छे से भुन गया है, आँच अभी भी एकदम स्लो पे है, और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। और ये ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें दही जाएगा बाद में, तो दही में खटास ऑलरेडी थोड़ा रहता ही है, और ये थोड़ा सा और फ्लेवर इन्हेंस करता है, बहुत थोड़ा और अलग टेस्ट देता है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप डालें टमाटो प्यूरे, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन दही आपको स्किप नहीं करना है। तो धीरे से हम टमाटो प्यूरे डाल देंगे, और इसी के साथ में ही हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हमें अच्छे से इसको मिक्स करके और एकदम तेल सेपरेट होने तक हमें पकाना है। आँच को अब हम हाई फ्लेम पे कर देते हैं। तेल एकदम सेपरेट हो गया है मसाले से, भुन गया है एकदम अच्छे से। अब हमें क्या करना है, फ्लेम को एकदम स्लो पे कर देना है। अब इसमें हम डालेंगे दही जो हमने फेंट के पहले से ही ले लिया था। एक साथ में ही पूरा दही नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दही डाल करके हम इसको कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। फ्लेम एकदम स्लो होना चाहिए, और 3 बार में मैंने पूरा दही इसमें डाल दिया है, और जब तक एक बॉईल ना आ जाए दही में, तब तक हमें इसको चलाते रहना है। आँच को मीडियम हाई पे कर देते हैं हम। दही में उबाल आना शुरू हो गया, बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पानी जिसमें बॉईल किया था अपना गट्टा, उसको वो पानी हमने बचा के रखा था इसमें डालने के लिए। हमें कितना थिक चाहिए ग्रेवी, उस हिसाब से हम वही पानी इसमें यूज़ करेंगे। अब इसमें एकदम लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दही फटा हुआ नहीं है। मैं नज़दीक से भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल भी दही नहीं फटा है। बस वही एक जगह आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना, तो दही बिल्कुल भी फटता नहीं है। तो ग्रेवी आप
आपके हिसाब से आपको कितना करना है पतला गाढ़ा, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पतला ही रहेगा तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा जो गट्टा है वो ग्रेवी को सोखता है, तो बाद में जब ठंडा होता है तो गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही हमें मेक श्योर करना है कि हम पानी इसमें इतना करें, थोड़ा पतला रहे बाद में, ताकि एकदम थिक ना हो। हाँ, आपको एकदम गरम गरम बना कर खाना है तो देन फिर आप कैसे भी कंसिस्टेंसी आप इसमें आप कर सकते हैं। बस अब इस ग्रेवी को हमें पकाना है। आँच को हम एकदम तेज पे कर दे रहे हैं। मसाला पका हुआ है, गट्टा पका हुआ है, अब एक बॉईल इसमें आ जाएगा तब हमारा गट्टा इसमें डाल देंगे। ग्रेवी को हमें बॉईल करते हुए 2 मिनट हो गया है, बढ़िया सा उबल गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, मैंने इतना पतला रखा है, आप चाहे और पतला गाढ़ा कर सकते हैं इसको। अब इसमें हमारा गट्टा जो है बना, ये उठा के हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको हम ना 2 मिनट तक कवर करके पका लेंगे और बॉईल कर लेंगे साथ में, ताकि हमारा गट्टा और ग्रेवी एक दूसरे में समा जाए, एकदम अच्छे से भीन के रस पी ले। कवर करके हमें इसको बॉईल करना है। यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है गट्टे की। अब इसको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि नमक टेस्ट करके इस टेस्ट पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा गट्टे की सब्जी, कितना बढ़िया स्वादिष्ट एकदम बना हुआ है और बहुत क्विक बन जाता है। और एक चीज़ का इसमें ध्यान देना कि खट्टी दही का एकदम इस्तेमाल मत करना, दही खट्टी ना हो, उसका ज़्यादा एकदम अच्छा बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये गट्टा जब हम ग्रेवी में डालते हैं ना, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, रुई की तरह, बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से आप लोग भी एक बार बनाकर ज़रूर इंजॉय करना। हमारी तो गट्टे की सब्जी बनकर एकदम बढ़िया वाला रेडी हो गया है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है, अगर मैं आपके यहाँ कोई सब्जी नहीं है ना घर पे, बेसन है, फटाफट एक बढ़िया सा सब्जी आप चटपटा बना सकते हैं, जो कि आप पूरी, पराठा, रोटी, राइस के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक बार ज़रूर इस तरह से गट्टे की सब्जी बनाकर ट्राई करना। ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।